नमस्कार, जय हिंद, राम राम साथियों। डीएसएसबी की तरफ से एक और बड़ा हुआ बम्पर रिक्रूटमेंट आप लोगों के लिए आ चुका है। और भाई ये वाला रिक्रूटमेंट है, ये डीएसएसबी के तहत करवाया जाएगा, जिसमें बहुत अलग अलग पोस्टों पर आप लोगों की वैकेंसी रहने वाली है। इसको लेकर ऑफिशियली तरीके से नोटिफिकेशन आ चुका है। 20,000 पदों पर ये वाली वैकेंसी होने वाली है, जिसमें आप लोगों की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर जेल वार्डन के साथ में आपका फूड कॉन्स्टेबल होगा, उसके साथ में फायर ऑपरेटर की होगी, फायर ऑपरेटर के साथ में टीजीटी, पीजीटी और बहुत सारी अलग अलग वैकेंसियां आप लोगों को देखने को मिलने वाली है। अगर नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करूं, कितनी वैकेंसी रहने वाली है, इसको लेकर ऑफिशियली तरीके से यहां पर नोटिफिकेशन आ चुका है। और यहां पर देखिएगा, जो दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर है, उनके भी सिग्नेचर होके बिल्कुल इस भर्ती को अप्रूव मिल चुका है। अगर मैं बात करूं तो फिलिंग अप वैकेंसी फॉर ऑल पोस्ट इन जीएनसीटीडी के द्वारा और डीएसएसबी के द्वारा ये वैकेंसी आप लोगों की भरी जाएगी। जो डीएसएसबी है वो दिल्ली सबोर्डिनेट सर्विस कमीशन है, जिसमें आप लोगों की दिल्ली में जो वैकेंसी आती है, दिल्ली आपकी कैपिटल है, राजधानी है, और वहां पर आप किसी भी राज्य से आप हो, आप उस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मतलब ये वैकेंसी ऑल इंडिया आप लोगों की रहने वाली है। अगर मैं वैकेंसी की बात करता हूं और कौन कौन अप्लाई कर पाएंगे, एजुकेशन क्वालिफिकेशन वगैरह क्या रहेगी, सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले मैं आप लोगों को वैकेंसी दिखा देता हूं कि इसमें नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी रहने वाली है। तो यहां पर आप देखिएगा, सारी चीजें यहां पर पहले से मेंशन कर दी गई। इन्होंने कहा है कि इन दिस रिकॉर्ड होम्बल लेफ्टिनेंट गवर्नर ड्यूरिंग द लास्ट फंक्शन फॉर है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट हेल्ड एड विज्ञान भवन में 30/8/2024 को जिनका पहले वाली भर्ती में सिलेक्शन हुआ था, उनको यहां पर जो डिस्ट्रीब्यूट किया गया था, उनके अपॉइंटमेंट दिए गए थे कहां पर, विज्ञान भवन में। इन्फॉर्म्ड दैट द अप्रोक्सीमेटली 20,000 वैकेंसी इन वेरियस डिपार्टमेंट नीड टू बी द फील्ड अप बाय डीएसएसबी बाय मार्च 2025 से पहले 20,000 वैकेंसियां है वो और भरी जाएगी। तो बहुत अच्छी बात है, इसमें बहुत सारी वैकेंसियां होगी जिनमें अगर आप 10वीं पास है तो भी आप अप्लाई कर पाएंगे। कुछ वैकेंसी 10वीं पास के लिए रहेगी, कुछ 12वीं पास के लिए रहेगी, कुछ ग्रेजुएशन के लिए रहेगी और कुछ आप लोगों की टीजीटी पीजीटी वगैरह टीचर की वैकेंसियां रहने वाली है। अगर मैं बात करूं तो इस भर्ती के लिए मिनिमम आपकी एज 18 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम अगर आपकी एज 25 साल है तो आप अप्लाई कर पाएंगे। इसके अलावा टीजीटी पीजीटी में आपको अलग से एज में छूट मिलती है, लेकिन अगर आप फूड कॉन्स्टेबल, उसके साथ ही अगर मैं बात करूं तो जेल वार्डन के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, उसके साथ ही और बहुत सारी वैकेंसी, फायर ऑपरेटर की वैकेंसी आपको देखने को मिल जाएगी, ड्राइवर की वैकेंसी आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। तो इन सारी वैकेंसियों में आप लोगों का है जो इस वाली भर्ती के द्वारा सिलेक्शन होने वाला है। ये वैकेंसी लगभग कब तक आएगी, तो मान के चलना कि नवंबर लास्ट या दिसंबर फर्स्ट में इसका ऑफिशियली तरीके से नोटिफिकेशन आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। आप में से बहुत सारे साथियों को इस वाली भर्ती का पता नहीं होगा, लेकिन भाई ये वाली भर्ती है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की है और यहां पर जो भर्ती होगी उसमें आपको दिल्ली में ही आपको जॉब करना होगा और काफी अच्छी सैलरी वगैरह, काफी अच्छे बेनिफिट वगैरह मिलते हैं, क्योंकि आप सभी को पता है दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी है और राजधानी में आप लोगों भर्ती होकर जाएंगे तो उसी के अकॉर्डिंग आपको अलाउंसेज वगैरह, आपकी सैलरी वगैरह वहां पर आपको दी जाएगी। ये पूरा नोटिस आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा। इसके साथ में आपको बता दूं, अभी आप लोगों की इंडियन आर्मी अग्निवीर की नई भर्ती आने वाली है और जो भी साथी तैयारी करना चाहते हैं उनको बता दूं कि चक्षु पब्लिकेशन की अग्निवीर जीडी, अग्निवीर ट्रेडमैन, अग्निवीर एसकेटी कलरक, अग्निवीर टेक्निकल और परमानेंट नर्सिंग असिस्टेंट और उसके साथ ही धर्म शिक्षक की आप लोगों की अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो इन सभी के प्रैक्टिस सेट है वो आप लोगों को मिल जाएंगे। तो भाई इन सभी प्रैक्टिस सेटों के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जहां से आप इन्हें ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं, फ्लिपकार्ट, अमेजन या आप नियरेस्ट जो स्टोर है वहां से भी आप इन्हें परचेज कर सकते हैं और अपनी तैयारी को शानदार तरीके से शुरू कर सकते हैं। दोस्तों आप भी डीएसएसबी की वैकेंसी का इंतजार कर रहे हैं तो कौन सी पोस्ट के लिए इंतजार कर रहे हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप में जरूर बताना। दोस्तों स्टूडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।